दोस्तों ये है हमारे पास OnePlus Wireless Z2 हेडफोन। अगर आपको कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, कनेक्ट नहीं हो रहा है ब्लूटूथ से, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिए। पेयर अगर नहीं हो रहा है तो इस वीडियो में सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, दो स्टेप इजी मैं आपको बताऊंगा, जिससे अगर आप फॉलो करते हैं ध्यान से तो आपका बिल्कुल 100% कनेक्ट हो जाएगा, आपकी जो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है कि आपका फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है आपके इसमें, पेयर का OnePlus का नेम नहीं आ रहा है, तो आपको सबसे पहले ईयरफोन को लेना होगा। उसके बाद देखिए सबसे ऑन कर लेना है इसको। तो एक बार आपको क्या करना है, जो मैग्नेट है इसको एक बार आपको अटैच करके फिर से निकाल लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक बटन इसमें रहता है जो कि बिल्कुल सेंटर में आपको देखने को मिलता है, इसको प्रेस करते रहिए, ठीक है, इसको प्रेस करते रहना है। उसके बाद ब्लूटूथ को एक बार आपको डिसेबल करना है, फिर से इनेबल आपको करना है। उसके बाद इसको प्रेस करते रहेंगे आप तो इसमें यहाँ पर नेम आ जाएगा, पहला स्टेप है। अगर ये भी आपका काम नहीं करेगा, दूसरे में 100% वर्क करेगा। देख सकते हो नीचे OnePlus Wireless Z2 आ चुका है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर पेयरिंग लिखा हुआ आ रहा है, अब यहाँ पर मैं पेयर करता हूँ तो ये कनेक्ट बेसिकली हो जाएगा। देख सकते हो कनेक्टेड हो चुका है और बैटरी का परसेंटेज भी दिखा रहा है। अब पहला तरीका अगर काम नहीं करता है तो दूसरा तरीका ये है कि आपको सिंपली मोबाइल का ब्लूटूथ को बंद करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। वॉल्यूम अप और वॉल्यूम माइनस दोनों बटन को 7 सेकंड के लिए प्रेस करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको इसको छोड़ देना है। अब आपको क्या करना है, फिर से अपने ब्लूटूथ को ऑन करना है। उससे पहले एक बार इसको आप इस तरीके से बंद करके फिर से ऑन कर लीजिए और आप ब्लूटूथ को आप ऑन कीजिए तो आपका 100% कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप इन दो स्टेप्स को फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करके नीचे कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए।